रालोसपा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एईएस से मौत के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार बताया। आरएलएसपी चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार सरकार की उदासीनता के कारण एईएस से बच्चों की लगातार मौतें होती रहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर उन्होंने इस पर ध्यान दिया होता तो मौतें कम होती। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विफलता छिपाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इस्तीफा मांगा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इतने बच्चों की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फौरन इस्तीफा देना चाहिए। पिछले 15 वर्षों से सत्ता में हो रही नीतीश सरकार ने इस बीमारी पर ध्यान नहीं दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब वे नीतीश कुमार की अंतरात्मा जगाने के लिए जनता के बीच जाएंगे। आरएलएसपी नीतीश हटाओ भविष्य बचाओ यात्रा निकालने जा रही है। यह यात्रा 2 जुलाई से मुजफ्फरपुर से शुरू होकर 6 जुलाई को पटना में संपन्न होगी। इसके साथ ही साथ मंगल पांडे के इस्तीफा मांगने की चर्चाओं पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब जब नीतीश सरकार कठघरे में खड़ी होती है, नीतीश कुमार ने बच निकालने का रास्ता खोज लिया है। अब मंगल पांडे का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि वे नीतीश कुमार के चेहरे को बेनकाब कर देंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा ने ठान ली है कि वो नीतीश सरकार के खिलाफ पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। बिहार में इस साल एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के कारण 175 से अधिक बच्चों की मौत के बाद अब सियासत जारी है। इस मामले को लेकर के बिहार विधानसभा में भी हंगामा हो चुका है। इस मामले में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने उनका इस्तीफा मांगा है। उन्होंने 2 जुलाई को नीतीश हटाओ भविष्य बचाओ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी है। तो कुल मिलाकर के एक तरफ जहां मासूम बच्चे अपनी जानें गंवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासत भी पूरी तरह से हो रही है। देखने वाली बात होगी कि उपेंद्र कुशवाहा आगे क्या करते हैं। द गरम पोस्ट की रिपोर्ट।